तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग डार्क वेब पे, जो भी आपका डार्क वेब होता है ना, आई होप सो कि आपको पता होगा। ये चीज समझाने की मुझे जरूरत तो नहीं है कि डार्क वेब क्या होता है। अगर नहीं भी पता तो मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हमारा इंटरनेट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सरफेस वेब, डार्क वेब, डीप वेब, ये तीनों पार्ट होते हैं। हम लोग जो गूगल वगैरह चलाते हैं, सरफेस वेब होता है। यहाँ पे आपको उतनी ही चीजें मिल सकती हैं जितनी गूगल के ऊपर अवेलेबल है या फिर दूसरे सर्च इंजन के ऊपर अवेलेबल है। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप लोगों से हाइड करके रखी जाती हैं या फिर जो आपको नॉर्मल सर्च इंजन के ऊपर नहीं मिल सकता, वो सब आपको डार्क वेब पे मिलेगा। जैसे कि जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं उनको आप हायर कर सकते हो डार्क वेब पे। आप लोग अपने लिए पर्सनल शूटर्स को हायर कर सकते हो, मतलब ये सब करना नहीं, इनलीगल है, गलत है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपको डार्क वेब पे देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारी चीज़ें डार्क वेब पे अवेलेबल होती हैं जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप लोग जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करो। बट अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो सही चीज़ों में एक्सप्लोर करो। डार्क वेब पे बहुत सारी सही चीज़ें भी हैं, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आपका एंड्रॉयड फ़ोन ही आपकी मदद करेगा डार्क वेब चलाने के लिए, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे दो ऐप को इंस्टॉल कर रखा है, एक ऑरबॉट है और एक टॉर ब्राउजर है। मैं आपका सबसे पहले मिसकन्फ्यूजन दूर कर देना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टॉर ब्राउजर और ऑरबॉट दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं और दोनों को ही यूज करने लगते हैं डार्क वेब चलाने के लिए। देखो, दोनों ही इंडिविजुअल काफ़ी हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। आप चाहो तो टॉर ब्राउजर से ही खाली डार्क वेब एक्सेस कर सकते हो और ऑरबॉट से भी कर सकते हो। बट दोनों के ही एक अलग फ़ायदे हैं, मैं वो दोनों भी अभी आपको समझा दूंगा। आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है। अभी मैं पूरा का पूरा आपको क्लियर करता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये दोनों चीज़ आपको मिलेगी कहाँ से। तो आपको सिंपल से प्ले स्टोर के ऊपर चले जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर जाके आप टॉर ब्राउजर भी डाउनलोड कर सकते हो, सर्च कर लो, और उसके बाद आप लोग जा करके ऑरबॉट, ये ऑरबॉट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये दोनों क्या काम आते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ। आपको मैं एक खास चीज बताना चाहूंगा। मैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वेब पेज खोल रखा है। यहाँ पे अगर आपको देखने को मिलेगा टॉर्च, यहाँ पे देख सकते हैं टॉर्च लिखा हुआ है और ऊपर को डार्क वेब लिखा है। मैं पूरा चीज हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के। ये क्या होता है, जैसे गूगल होता है ना, हमारा नॉर्मल सर्च इंजन है जिसके ऊपर हम लोग भाई नॉर्मल फेसबुक वेबसाइट ये सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं। और हमारा जो सर्च इंजन है वो काम करता है .com में। अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊं, देखते हैं कि कौन सा मेरा लास्ट वेब पेज खुला है। आई होप सो कि मैं यहाँ पे अच्छा चला जाता हूँ। और यहाँ पे मैं जाने के बाद अगर मैं गूगल यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी चीज़ मैं अकाउंट पे ऐसे टैप कर दे रहा हूँ कुछ भी रैंडम, तो लास्ट में आपको हमेशा देखने को क्या मिलेगा। अगर लास्ट में हम लोग यहाँ चले जाते हैं, ओके ये थोड़ा सा लंबा हो गया, यहाँ पे ही चलिए आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए accounts.google.com, जो भी .com की वेबसाइट्स आपकी चल रही हैं वो आपकी चल रही हैं सरफेस वेब के ऊपर, ठीक है। बट डार्क वेब पे .com की वेबसाइट नहीं होती है, .onion वाली वेबसाइट्स होती हैं। अगर आप उनको नॉर्मल यहाँ गूगल से सर्च करने की कोशिश करोगे, पहली चीज़ तो आपको प्राइवेसी का खतरा है कि गूगल आपकी सारी डेटा को टैग कर रहा होगा और आपकी सारी चीज़ें बाहर हो जाएंगी। आप क्या करोगे, सबसे पहले अपने आप को एनोनिमस करने की कोशिश करोगे। एनोनिमस क्या होता है, अपने आप को छुपा लेना। और टॉर ब्राउजर आपकी उसी काम को मदद करेगा कि डार्क वेब की वेबसाइट्स को आप लोग यूज कर सको और अपने आप को छुपा के यूज कर सको, मतलब कि कोई भी देख ना पाए कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ठीक है। इसका मैं एक और पार्ट लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपके ब्राउजर्स है ना, टॉर और बॉट, ऑरबॉट तो आपका एज अ प्रॉक्सी या फिर वीपीएन आप समझ सकते हो, जो टॉर ब्राउजर या फिर ऑरबॉट है, ये दोनों के अंदर ही आप लोग कैसे एडवांस सेटिंग कर सकते हो जिसकी मदद से आपको कोई भी जल्दी पकड़ नहीं सकेगा, ठीक है। तो ये इन फ्यूचर हम लोग लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे भाई आप लोग इन दोनों की मदद से ना डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो। बस मैं इतना बताऊंगा कैसे एक्सेस होगा और मैं आपको गूगल की जगह वहां पर रिकमेंड करूंगा डार्क वेब का जो सर्च इंजन है, जहां पर आपको सारी .onion वाली वेबसाइट मिलेंगी, वो है टॉर्च, उसको आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आइए जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो ट्रेडिशनल है, जो कि टॉर ब्राउजर है, ठीक है, दोनों वैसे ट्रेडिशनल आप लोग मान सकते हो, जो कि टॉर ब्राउजर है, इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। और यहाँ पे देखिए कनेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको थोड़ा फोकस कर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कनेक्ट पर बटन दबाता हूँ, देखिए मैंने दबा दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा कि ये देख सकते हैं स्वाइप यहाँ पे हो रहा है। ये चीज जैसी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ना, आपका यहाँ पे इसमें सर्किट्स बिल्ड होते हैं। अगर आपको भी सर्किट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्या चीज होती है और क्या चीज बैकएंड में चल रही है, अगर आप थोड़ा सा इसको स्वाइप करोगे तो इधर बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बट आपको इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग बेसिक खाली काम कर रहे हैं कि हमें डार्क वेब को यूज करना है, बस इतना, ठीक है।
देखिए इसके अंदर तीन टाइप के मोड आपको मिलेंगे, स्टैंडर्ड, सेफर, सेफेस्ट। अब इसमें क्या, स्टैंडर्ड में आपको सारे टॉर ब्राउजर के लिंक मिलेगी। टॉर ब्राउजर में आपको मैं बताऊं, गूगल की सिक्योरिटी तो है नहीं, गूगल एक टाइप से काम भी अच्छा करता है कि वो हमें जो भी फिशिंग वेबसाइट्स है, जो भी गलत वेबसाइट्स है जहां से हमारा डेटा चोरी हो सकता है, उनसे बचा भी लेता है। बट टॉर ब्राउजर सब खुला हुआ है, कहीं पे भी जा सकते हो, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब कौन सी चीज़ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गई, फोन में इंस्टॉल हो गई, आपका डेटा कब बाहर जा रहा है। इसके लिए थोड़ा सा आपको एडवांस बनना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप चाहे तो स्टैंडर्ड रख सकते हो, सेफर रख सकते हो, सेफेस्ट रख सकते हो। सेफेस्ट में जो टॉर ब्राउजर पे भी सही वेबसाइट्स है ना, वही खाली ओपन होंगी, और मतलब ज़्यादा नहीं ओपन होंगी, ठीक है। तो मैं स्टैंडर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ज़्यादा चीज़ें दिखानी है। स्टैंडर्ड मैं चाहूँगा कि आप भी यूज़ करो, थोड़ा सा मतलब रिस्क लेना सीखो। स्टैंडर्ड में क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉर को एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टॉर की क्षमता है, जितनी डार्क वेब की क्षमता है आप जाके ढूंढ सकते हो। बट याद रखना, टॉर का मतलब डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो होता है वो डकडकगो होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे हैकिंग सर्च करता हूँ, देखिए हैकिंग मैंने सर्च की, और हैकिंग सर्च करूँगा तो अभी देखिए इसकी स्पीड में उतना ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। बट आप अगर अपने डेटा से, नॉर्मल डेटा से इसकी स्पीड को कंपेयर करोगे ना, जैसे आप नॉर्मल गूगल क्रोम पे कुछ सर्च करते हो तो वहाँ पे जल्दी सर्च होता है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको सिक्योरिटी भी दे रहा है, प्लस डार्क वेब को भी एक्सेस करा रहा है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। यहाँ पे देख पाओगे आप लोग, यहाँ पे इसकी स्पीड को डिनोट यहाँ पे कर रहे हैं लोग, तो सिक्योर रख के आपको डार्क वेब दे रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। देखिए अभी क्या है कि यहाँ पे देखिए .com की वेबसाइटें खुल रही हैं, ये नॉर्मल आप लोगों का सर्च है। जो DuckDuckGo है वो आपका नॉर्मल सर्च इंजन है, वो आपको .com की वेबसाइट देगा, एनोनिमस थोड़ा सा रखेगा बट .com की देगा। बट अगर आपको रियल में डार्क वेब सर्च करना है तो आपको टॉर्च का यूज करना पड़ेगा। और भी ब्राउजर्स आते हैं बट मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादातर टॉर्च ब्राउजर का यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे टॉर्च और ओके यहाँ पे सॉरी, मैं वही वेट कर रहा था कि कब आ जाए, ऐसा मत सोचना कि कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्च सर्च इंजन आपको टाइप करना है, खुद से ऐसे लिख देना है टॉर्च सर्च इंजन, और अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि ये खुल जाए। देखिए आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, गूगल का तो डायरेक्ट आया था। यहाँ पे देखिए डार्क लिंक यहाँ पे आ रही है, टॉर्च सर्च इंजन फॉर द डार्क वेब, ठीक है। इसके ऊपर आप टैप कर दोगे, ये वेबसाइट आपको ऑनियन की लिंक देगी, जो टॉर्च है हमारा, जो वेब ब्राउजर होगा, वो ब्राउजर बता रहा हूँ, जो वेबसाइट होगी टॉर्च की सर्च इंजन वाली, वो ऑनियन में होगी। ऑनियन कहाँ पे होगा अभी आपको दिखेगा, अगर मैं यहाँ पे लिंक आपको दिखा पाऊँ। इसकी लिंक यहाँ पे वैसे दिख तो नहीं रही है, बट आपका कुछ इस टाइप से ब्राउजर होता है। चलिए मैं एक बार यहाँ पे विजिट पे दबा दे रहा हूँ, और विजिट पे दबाने के बाद ये खुलने में हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डार्क वेबसाइट्स होती हैं उनको खोलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आप इस टॉर्च की मदद से सबसे पहले टॉर्च पे जाना, फिर टॉर्च के ऊपर कुछ भी सर्च करो, कुछ भी, लिटरली देखो मैं गलत चीज़ें करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट लिटरली तुम कुछ भी सर्च करोगे सब मिलेगा तुम्हें। लेकिन ध्यान रखना, डार्क वेब ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी आ जाता है, तो उस कुछ भी से बच के रहना है। देखो मैं कोई भी चीज़ ओपन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि YouTube की कुछ गाइडलाइंस होती है जिनको मुझे फॉलो करना है, और मैं नहीं चाहता YouTube वाले चैनल के ऊपर दिक्कत दे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाओगे कि ये थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो जैसे ये लोड हो जाता है तब मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो वो वेबसाइट खुल गई, अभी पूरी तरीके से खुली भी नहीं है, यहाँ पे टॉर्च लिख के आ जाता है, आ गया लिख के, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ पे देखो पहले ही सारी गलत चीज़ें, सब की सब, कार्डिंग अगर नहीं पता तो भैया गूगल कर लेना, समझ में आ जाएगा कार्डिंग क्या है। फॉरम, इन्हीं के फॉरम होंगे, और वो तो छोड़ दो, बिटकॉइन, वेस्टर्न यूनियन, हिडन विकी, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ आ रही। तो इस पे अपने भैया दिमाग का यूज़ करके ही सारी काम करें। मैं आपको लिंक URL जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लास्ट में क्या है, डॉट ऑनियन है, हम लोगों ने डॉट कॉम देखा था बट यहाँ डॉट ऑनियन है। तो अभी क्या है, ये है हमारी डार्क वेब की वेबसाइट। आप जितनी भी वेबसाइट अगर सर्च करते हो जहाँ पे डॉट ऑनियन आएगा वही डार्क वेब है, डॉट कॉम वाली डार्क वेब नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कट कर दे रहा हूँ, देखिए, और आई होप सो कि बंद हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऑरबॉट को मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑरबॉट क्या है, अब आप लोगों में मतलब यही कन्फ्यूजन होती है लोगों में कि भाई ऑरबॉट भी मैं डाउनलोड कर लूँ और टॉर ब्राउजर भी डाउनलोड कर लूँ, क्या मैं दोनों ही ऐप को यूज़ कर लूँ। और यहाँ पे देखिए टॉर लिखा हुआ है, और यहाँ से स्टार्ट हम लोग कर देंगे तो ये भी एक सर्किट बनाएगा, ये भी भाई बना देगा हमारा टनल एक अच्छा खासा, और यहाँ पे देख सकते हैं USB ब्रिजेस का भी ऑप्शन है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अब मैं बताता हूँ, अब आपने एक तरीके से टॉर ब्राउजर से भैया डार्क वेब चला लिया, बट अगर आप चाहो तो गूगल से भी डार्क वेब चला सकते हो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं बैक जाता हूँ ना
और बैक जाने के बाद अगर मैं यहीं पे, आप देखो मैंने ऊपर वो चला रखा है टॉर वाला, जो मैंने वीपीएन या फिर आप प्रॉक्सी जो भी कह सकते हो वो मैंने चालू कर लिया ना, और यहाँ पे टॉर्च यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टॉर्च ब्राउजर डार्क वेब यहाँ पे आ गया, देखिए खुला। अभी यहाँ पे क्या है, टॉर्च सर्च, और यहाँ पे सर्च द डार्क नेट। ये थोड़ा सा मतलब गूगल के ऊपर थोड़ी सी चीज़ें फास्ट रहती हैं, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों थोड़ी सी फास्ट रहती हैं। दरअसल गूगल पे आप अगर चलाते हो ना तो भाई मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ये है देखिए इसकी यूआरएल लिंक, अगर मैं यहाँ पे इसको खोल देता हूँ, ओके ये खुल नहीं रहा है, यानी कि ये कनेक्टेड ही नहीं है अभी तक। खुल जाता अगर कनेक्टेड होता, न्यू आइडेंटिटी में कर दे रहा हूँ यहाँ से, न्यू आइडेंटिटी, और यहाँ पे स्विच हो गया है, और अभी देखते हैं कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। वही मैं सोचू कि कुछ फास्ट चलने लग गया है क्या यार, इतना फास्ट तो चलता नहीं है। और फिर से मैं चला जाता हूँ यहाँ पे और बॉट के ऊपर, यहाँ इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं एक मिनट, और यहाँ से वीपीएन मोड में यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ वीपीएन मोड ऑन नहीं था तो वहाँ से और बॉट हमारा स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी कनेक्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, कनेक्टेड हो गया। और अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और अभी सर्च करते हैं। हाँ अभी ये लोड होना शुरू हो गया, और आपको एक मतलब आप कंपैरिजन देख सकते हो कि यहाँ पे वेबसाइटें थोड़ी तेज लोड होती हैं गूगल पे, मतलब वहाँ पे टॉर के जो ओरिजिनल इनका सर्च इंजन है ना, टॉर ब्राउजर, उससे। पर अब लोगों में ये कंफ्यूजन है कि मैं यूज किसको करूँ, गूगल पे यूज कर लूँ या वहां कर लूँ। तो मैं देखो एक सजेशन दूंगा आपको, हमेशा याद रखना सिक्योरिटी मेन हमारा पर्पस होता है, यूज करो एजुकेशनल पर्पस के लिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आप क्या करना, हमेशा टॉर ब्राउजर का यूज करो। टॉर ब्राउजर के साथ अगर आपको एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, वैसे ये कुछ सेंस नहीं बनता है बट मैं एक बता रहा हूँ, टॉर ब्राउजर का भी अपना ब्राउजर ऑन कर लो, यहाँ से भी कनेक्ट करके चलाओ, और अपने साथ एक ऑरबॉट भी डाउनलोड कर लो, और ऑरबॉट में भी भैया टॉर का नेटवर्क बना लो, ठीक है। और दोनों जगहों पर टॉर का नेटवर्क बना होगा और फिर चलाओ। तो इससे क्या होगा, तुम लोग एक मतलब थोड़ा सा सेफ साइड रह पाओगे कि भाई मैं डबल सिक्योरिटी ले चल रहा हूँ। अगर आपको ट्रिपल चाहिए तो एक वीपीएन भी कनेक्ट कर लो अलग से, तो ट्रिपल में आ जाओगे। बट याद रखना कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं नेटवर्क में, अभी मैं इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से एलेबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ आप लोग को कि क्या हो सकता है, बट फिर भी ध्यान रखना अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है कि लोग मतलब ऑरबॉट और टॉर में लोगों का कि भैया मैं ऑरबॉट को भी डाउनलोड कर लूँ टॉर को भी कर लूँ, तो मैं आपको बता दूँ दोनों से ही आप लोग डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप टॉर से करो चाहे ऑरबॉट से करो, ज़्यादा सिक्योर क्या है टॉर ब्राउज़र, ऑरबॉट क्यों नहीं सिक्योर है, क्यों, क्योंकि आप इससे क्या होगा कि गूगल क्रोम के ऊपर अगर यूज कर रहे हो, देखो मैं नेटवर्क के ऊपर और आपकी आईपी को तो सिक्योर करने की दे रहा हूँ कि हो सकता है कर ले, पर गूगल के ब्राउजर का मैं भरोसा नहीं करता दोस्त, क्योंकि गूगल गूगल है, वो कहीं ना कहीं से लीक कर ही लेगा आपकी। तो टॉर ब्राउजर में हम लोग थोड़ा सा सेफ साइड रहते हैं, तो टॉर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप चूंकि आपको वीडियो समझ में आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए जिसमें मैं आपको एडिशनल सिक्योरिटी के फीचर्स बताऊंगा कि आप लोग टॉर ब्राउजर या फिर ऑरबॉट में और भी जैसे ज़्यादा सिक्योरिटी कैसे डाल सकते हो ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनोनमस ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर हो, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ भाई मुझे चाहिए वीडियो बना दो, ठीक है। तो आई होप सो कि फिर से मैं बता रहा हूँ, वीडियो पसंद आए होगी भूलना नहीं लाइक सब्सक्राइब शेयर, और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।